हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम करेंगे क्लास 5 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है द इक्विलेटरल रीजन और ये चैप्टर है हमारा एसएसटी का। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू अनाउंस अगेन, जो भी बच्चे क्लास 5 के मुझसे गूगल मीट पर पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8588821529 पर वो क्लासेस पेड रहेंगी, जैसे कि आपका ट्यूशन का क्लास होता है। काफ़ी क्वेरी आती है मैं कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ उस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। वीक में 5 डेज वो क्लास होती है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो 1 आवर की क्लास रहती है हमारी, आई थिंक इतनी डिटेल मैंने आपको यहाँ दे दिया, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। नंबर बता देती हूँ एक बार और, 8588821529। चलिए अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, द इक्विलेटरल रीजन। द इक्विलेटरल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले कहानी समझते हैं ये वाली, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर। अब आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ये जो बीच में जितना भी ये पार्ट रहेगा, ठीक है, ये जो इक्वेटरल रीजन कहलाता है ये जगह, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाली जगह है, ठीक है। अब यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ रहता है, ठीक है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ रहता है, ठीक है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर है नीचे वाला आधा पार्ट, और ऊपर वाला आधा पार्ट क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। अब ये जगह ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि ये इक्वेटर के पास होती है, इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं और ये जगह हो जाती है काफ़ी ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो यहाँ जो भी देश रहेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। अब आ जाइए आगे की कहानी समझते हैं। लोकेटेड इन द टॉरिड जोन दैट रिसीव्स हायर, ये यही बात मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट सनरेज जो है ये जगह पूरे साल रिसीव करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का ये जो पार्ट है ये डायरेक्ट सन रेज जो है पूरे साल लेता है, रिसीव करता है, और इसी वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। अब आगे आ जाते हैं, ये देखिए क्लाइमेट, द इक्विलेटरल रीजन मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है उस जगह का। एक्सपीरियंस इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ, हॉट एंड ह्यूमिड जो टाइम रहता होगा क्लाइमेट, हॉट एंड वेट जिसे हम कह सकते हैं ना, विद अ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, और ह्यूमिडिटी यानी कि चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और चिपचिपा वेट रहता है। थ्रू आउट द ईयर एज द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज ऑफ द सन, यही बात हमने अभी पढ़ी थी कि इस रीजन पे सनरेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, यानी कि बराबर, 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात होती है। एंड द रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर, इस रीजन में अलग अलग सीजन्स नहीं होते हैं, ठीक है, इस रीजन में सब कुछ सेम ही रहता है पूरे साल मौसम, यहाँ पर अलग अलग सीजन्स नहीं होते हैं, ठीक है। दिस रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर। द एक्यूमिलेशन, एक्यूमिलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स थ्रो आउट द डे ड्यू टू हाई टेम्परेचर कॉजेज होती हैवी रेनफॉल इन द आफ्टरनून, दोपहर में बहुत तेज़ बारिश होती है, किस वजह से समझो, यहाँ के जो ये बादल है ना इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी, कहना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बहुत ज़्यादा ही आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसके अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होगा, बारिश होती है उसकी वजह से, अगर बादलों में बहुत ज़्यादा ही पानी भर जाता है तो क्या होता है बच्चे, बारिश होती है, ठीक है। वापस से इस पैराग्राफ को समझा दे रही हूँ, द इक्विलेटरल रीजन जो है एक्सपीरियंस करता है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब रहा हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होगी। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इक्विलेटरल रीजन में क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड वेट रहता है, क्या कब रहता है, कौन से महीने में रहता है, भाई थ्रू आउट द ईयर रहता है। इस रीजन में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये रिसीव करता है ये रीजन डायरेक्ट सन रेज, ठीक है। यहाँ के डे एंड नाइट कितने कितने टाइम के रहते हैं, तो भाई डे एंड नाइट यहाँ पर इक्वल रहते हैं, और रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, क्वेश्चन बन के आ सकता है क्या इस रीजन में डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो सीजन होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, इस रीजन में जो सारे सीजन्स सब एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है। डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, तो सीजन्स डिफरेंट नहीं रहते हैं। एक्यूमिलेशन मतलब होता है इकट्ठे होना, तो होता है एक्यूमिलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं,
क्लाउड्स में यहाँ पर थ्रू आउट द डे दिन भर इकट्ठी रहती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कॉजेस हैवी रेनफॉल इन द आफ्टरनून, दोपहर में बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश होती है। आई होप ये पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा इन द वर्ल्ड, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% आने वाला है। विच इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, आंसर इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ द होम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। भाई होम क्यों कह रहे हैं इसको, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ क्या होती हैं, जातियाँ, प्रजातियाँ, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं। अब इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट है तो ये तो सब वहाँ पर बसने ही हैं। और वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे वगैरह कैसे रहते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ सम ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब होता है घने इन द वर्ल्ड, तो वो बोल रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ये जो इक्वेटर के पास का ये ऊपर और नीचे वाला ये जो रीजन है, यहाँ पर होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार के बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। नॉट ऑल ट्रीज शेड लीव्स, हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी ये जो पेड़ हैं वो सारी के सारे एक साथ ही उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, कभी किसी की गिर रही हैं, कभी किसी की गिर रही हैं, तो इस वजह से क्या रहता है, सो दीज थिक रेन फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन, तो इस वजह से क्योंकि सारी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं तो मोस्टली पौधे जो हैं वो हरे भरे दिखते हैं, और इस तरह की कनोपी बन जाती है। देखो ये पास पास रहते हैं ऐसे, और ये इस तरह की कनोपी जो बन जाती है यहाँ पर बन जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन तक कई बार धूप भी नहीं आती है, कई बार क्या मोस्टली ज़मीन वाले पौधों तक तो धूप नहीं ही आती है, ठीक है। नॉट ऑल द ट्रीज शेड लीव्स एट द सेम टाइम, तो भाई सारे पौधे जो हैं एक साथ तो लीव्स नहीं शेड करते हैं, सो दीज थिक रेन फॉरेस्ट ऑलवेज रिमेन ग्रीन, तो ये थिक रेन फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं, हैंस इसी वजह से दे आर नोन एवर ग्रीन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन का मतलब होता है हमेशा हरे भरे रहने वाले। अब आ जाइए, द प्लांट्स इन दीज फॉरेस्ट ग्रो इन सेवरल लेयर्स, प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी काफ़ी लेयर्स में ग्रो करते हैं। द इमर्जेंट लेयर हैज़ द टॉलेस्ट ट्री, द कैनोपी इज फॉर्म्ड बाय द क्राउन्स ऑफ मोस्ट ट्रीज, क्राउन्स ऑफ मोस्ट ट्रीज, ये जो क्राउन होता है इससे, इस तरह से ये कैनोपी सी बन जाती है, जब बहुत सारे प्लांट्स जो हैं आपस में ऐसे मिल जाते हैं, इस तरह की कैनोपी बन जाती है। द स्मॉलर ट्रीज एंड थिक शर्ब्स फ्रॉम द थर्ड लेयर आर कॉल्ड अंडर स्टोरी, देखो भाई इमर्जेंट लेयर कौन सी होता है, इमर्जेंट लेयर एज द टॉलेस्ट ट्री, ये टॉलेस्ट ट्री की जो सबसे ऊपर वाली ये वाली जो ही इमर्जेंट लेयर बन जाएगी, ठीक है, इससे कनोपी फॉर्म्ड हो जाएगी, और जो बिल्कुल नीचे वाले पौधे होते हैं उनसे क्या बनता है, अंडर स्टोरी बन जाती है। द फॉरेस्ट फ्लोर हैज़ अ वराइटी ऑफ क्लाइंबर्स, फॉरेस्ट के फ्लोर पर है ना, ज़मीन पर बहुत सारे टाइप के क्लाइंबर्स रहते हैं, पौधे जो होते हैं जो क्लाइंब करके चढ़ जाते हैं, है ना, जो इस तरह के पौधे होते हैं जो ऊपर की तरफ क्लाइंब करके चढ़ जाते हैं, बहुत सारे क्रीपर्स यानी कि रेंगने वाले होते हैं इस तरह के पौधे, वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस द फॉरेस्ट फ्लोर बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन, एक्चुअली बहुत ज़्यादा घना होता है यहाँ पौधे, इसकी वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं पहुँच पाती। अब आप खुद ही लगाइए, इस तरह की जब कनोपी बन जाती होगी तो जो सन की लाइट है वो नीचे जाए कैसे, ये तो कनोपी ने पूरा का पूरा घेर रखा है, तो नीचे के वाले पौधों पर सनलाइट नहीं जा पाती, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट रहते हैं। Therefore, remains of plants and animals decay quickly. तो इसी वजह से क्या होता है, डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बहुत जो रिमेन्स इन प्लांट्स और एनिमल्स के, रिमेन्स क्या हुआ, जैसे कि भाई प्लांट है टूट गया, ख़राब हो गया, उसके बाद वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, फिर वहीं पर खाद बन जाता होगा, सेम एज एनिमल, एनिमल को ऐसा नहीं होता कि कोई वहाँ पर कोई चीता मरा है तो कोई उसकी चिता को आग लगाने जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो क्या होता है एनिमल वगैरह वहीं पर ही धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, सड़ बढ़ जाते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे यू नो वल्चर्स वगैरह भी ने खा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो मिट्टी में मिक्स भी हो जाते हैं, खाद सा बन जाते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का मतलब हुआ कि जंगली जीव जंतु वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, मैनी स्पीशीज ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, मंकी है, लिमर्स है, ठीक है, ये अलग अलग फ्लाइंग स्क्वायरल्स, बैट्स, बैबून्स, रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नेक, सब याद कर लेना, ये लेजर्ड, हिप्पोपोटामस एंड जगुरूस आर इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, वहाँ पर रहने वाले जीव होते हैं। द रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स होंगे, अलग अलग प्रकार की जिराफ मिलेंगे, एंटीलॉप्स मिलेंगे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के
बटरफ्लाइज मिलेंगे। ठीक है, आप इको फैक्ट पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट कवर करते हैं इन रेन फॉरेस्ट इज स्लोली डिप्लीटिंग ड्यू टू द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब डिप्लीटिंग क्यों हो रहा है? डिप्लीटिंग मतलब होता है कम होते चले जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत है, तो उसे काटते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या होता चला जा रहा है कि डिप्लीट होते चले जा रहे हैं फॉरेस्ट जो है हमारे। दिस डिस्ट्रॉयज द वाइल्ड लाइफ। इसकी वजह से अगर आप जंगली जीव जंतुओं का घर ही छीन लेंगे तो वाइल्ड लाइफ तो डिस्ट्रॉय ही होगी, नष्ट होगी। एंड द फ्लोरा एंड फना, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह थ्राइविंग थे, वो बेचारे वहाँ से कैसे सर्वाइव करें वहाँ पर। आप क्या हो रहा है, वो वहाँ से भाग रहे हैं। लाइफ इन रेन फॉरेस्ट कैसी है, जीवन कैसा है वहाँ पर? द रेन फॉरेस्ट आर स्पार्शली पॉपुलेटेड। हाँ, मतलब वहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पास पास नहीं रहते। द पॉपुलेशन दैट लिव हियर बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स, आपने वो टीवी में कोई देखा है वो हुंगलला इस तरह के जो आते हैं ना, ट्राइबल प्रजातियाँ वगैरह जो होती हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स कलरफुल से पहनते होते हैं, कुछ तो आज भी पत्ते वत्ते से ढक के रहते हैं अपने शरीर को। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, जनजाति के जिन्हें हम बोलते हैं, दैट आर इधर हंटर गैदरर्स हों। हंटर गैदरर्स कौन होते हैं? हंटर मतलब शिकारी, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले। कई बार जो हंटर गैदरर्स होते हैं वो शिकार करते हैं, फिर जंगल में जाते हैं अपने लिए पेड़ पौधे फल फूल जो भी उनको खाने के लिए चाहिए होता है उसके रिमेन्स वगैरह लेकर आते हैं, अपने पार्ट्स लेकर आते हैं अपने पास, तो गैदर करते हैं मतलब इकट्ठा करते हैं, हंटर मतलब शिकारी। और फार्मर्स वगैरह होते हैं, ये लोग वहाँ पर रहते होते हैं। द पिग्मीज स्टे इन कॉन्गो रीजन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि पिग्मीज कहाँ रहते हैं, तो वो कॉन्गो रीजन में रहते हैं। सेमेंस रहते हैं मलेशिया में, एंड यनोमानो ब्राज़ील में रहते हैं। भाई इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो। द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस है, कसावा है, मेज़ यानी कि मक्का है, ठीक है, तंबाकू है यानी कि टबाको जिसे बोलते हैं हम, कॉटन है जिसकी क्लोथ्स बनते हैं, रबड़ है, एंड ऑयल पाम है। द इक्वेटर एरियाज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल सोर्सेज, यहाँ पर मिनरल सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं हमारी फिनिश। बस हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, छोटा सा चैप्टर था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, हमेशा याद करना, क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड, हैवी रेनफॉल होती है। वेजिटेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा घने एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो मतलब एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। वाइल्ड लाइफ कैसी है? डाइवर्स है, बहुत अलग है। और लाइफ कैसी है? ट्राइबल पीपल यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर, ट्राइबल जाति के जो लोग हैं यहाँ पर खेती करते हैं। डाइवर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ है, लाइक अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के नो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ होता है चैप्टर फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पर्सनल क्लास लेनी है तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।